जी, अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि क्या वालिद के इंतकाल के बाद माँ की जिंदगी तक विरासत की तकसीम को ताखिर करना जायज़ है या नहीं? भाई देखिए, असल ये है कि इंसान के इंतकाल के बाद उसकी विरासत तकसीम होनी चाहिए, लेकिन बगैर किसी दबाव के। सारे भाई अगर इसी पर मुत्तफिक हैं कि ठीक है वालिद साहब गए, अभी हमारी अम्मी है, हमारी अम्मी ही तो है ना, अब इनकी ज़िंदगी में जो है हम लोग क्यों अपना जो है बांटें, ये घर है इसी में अम्मी रह रही हैं, ये है, इनके इंतकाल के बाद हम देखेंगे। तो अगर हर एक की रजामंदी से है तो कोई वजह ममानियत नहीं है। जी सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त व अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरुस्त मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।